हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी के डेट में रैंक आईक्यू पर ही काम चल रहा है, टोटल परसेंटाइल स्कोर वहीं पर चेक किया जा रहा है। तो आज मैं इसकी सच्चाई बताना चाहूँगा कितना क्या है, ठीक है। इसमें परसेंटाइल स्कोर घट भी रहे हैं, सभी जोन का भी देखें इसमें आपको कि कितना परसेंटाइल बढ़ रहे हैं, परसेंट है ना, रॉ मार्क्स, और क्या इसके आधार पर आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं क्या, इस पर मैं पूरा भी वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे डाटा के अनुसार इस पर काम किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के मैं वीडियो में आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि जोन वाइज कितना कितना मार्क्स बढ़ रहा है परसेंटाइल, ठीक है। जोन वाइज या जोन वाइज तो नहीं कहना चाहिए, हर जोन का बताऊँगा, कैंडिडेट्स का रिव्यू बताऊंगा कि कितना परसेंटाइल बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं ब्रांच है ना, लेवल वन देखिए यहाँ पर कौन सा जोन से अप्लाई किया है। तो यहाँ पर तो ये नहीं दिया है जोन सेलेक्टेड, लेकिन 60 से 86 तक इसका परसेंटाइल बढ़ा है इस कैंडिडेट का, ठीक है। 22 अगस्त को एग्ज़ाम दिया था, देखो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम दिया था तो अच्छा बढ़ा है ना। और देखते हैं इनका, देखिए 55 से 62, और 2 सितंबर को परीक्षा दिया है लेवल वन का लास्ट में। देखिए दोस्तों, ऐसा भी है कि आपका रॉ मार्क्स कम है तो ज़रूरी नहीं कि परसेंटाइल बढ़े, आप खुद एक अच्छे परफॉर्मर हो तभी बढ़ेगा, ये बात भी है, इसका मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए जनरल से कैंडिडेट है, 79 रॉ मार्क्स है, और कितना बढ़ा है दोस्तों, तो 98 तक गया है ना। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए 70 से 89 तक गया है, और कहाँ के बंदे हैं तो ये देख सकते हैं, साउदर्न रेलवे का बंदे हैं, और साउदर्न रेलवे चेन्नई का एक और देखिए 71 से 86 तक बढ़ा है परसेंटाइल स्कोर। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा एक कैंडिडेट का कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका परसेंटाइल स्कोर कम हुआ है, उनके बारे में भी टॉपिक पर पूरा बात होगा। तो 77 से 97 वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में देखे 63 से 90, वैसे ही सेंट्रल मुंबई में, सेंट्रल रेलवे मुंबई में सीआर में 56 से 80 तक बढ़ाया 24 परसेंटाइल, और कितना परसेंटाइल सेफ होना चाहिए इस पर भी मैं बात करूँगा। 65 से 91 वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ठीक है, 25 अगस्त को एग्ज़ाम था, 5 सितंबर को 52 से 61 हमारा बिलासपुर जोन का है, ये एससी कैंडिडेट है, और मैं सभी की डिटेल्स हाइड कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को किसी को कोई पर्सनली प्रॉब्लम ना हो। 69 से 90 परसेंटाइल तक बढ़ा है, ठीक है, 69 रॉ मार्क्स से। और बताते हैं, और ये जो जोन था ये आपका देख सकते थे, ये आपका जोन इसमें नहीं दिया है ना, तो इसमें देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई का 67 से 89 ऐसा कुछ आंकड़ा है दोस्तों, है ना, फिर 62 से 80, 65 से 91, 56 से 63, इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ा। देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, साउदर्न ईस्टर्न रेलवे एस ई आर कोलकाता का, जिसमें रॉ मार्क्स कम हुए हैं, रॉ मार्क्स परसेंटाइल में कम हुए हैं 50 से 49.5। इसका कारण ये है दोस्तों कि कम हो भी सकता है, कम है ना, नॉर्मलाइजेशन में कम भी होते थे मार्क्स, लेकिन ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम होंगे। और मैं आपको एक चीज़ ये श्योरिटी बता रहा हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन है इसमें कितना सही है क्या नहीं, अब ये बात करूँगा। ये एक एग्ज़ाम्पल दे दिया मैं आप लोग को कि कम भी हुए हैं कैंडिडेट्स के मार्क्स। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि ये टेस्ट, ये जो रैंक आईक्यू का प्रेडिक्शन है, कितना सही है कितना गलत है। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि रैंक आईक्यू का जो प्रेडिक्शन है वो लगभग 75% सही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि लेवल 6 का जब प्रेडिक्शन हुआ था, ठीक है, उस समय भी रैंक आईक्यू पर लोग अपने देख रहे थे, चेक कर रहे थे, और रैंक आईक्यू वाले ने खुद ही अपना एक वीडियो बनाया था कि देखिए लेवल 6 का जो भी रिज़ल्ट है उसमें लगभग जो मेरा डाटा था वो 75% सही निकला, ठीक है, ठीक है, 75% सही निकला। अच्छा, एक बात और भी है कि जो कैंडिडेट्स जिसका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा बढ़ रहा है, उसका कारण यह भी है दोस्तों, आप लोग उन लोग कैंडिडेट्स लोग को मैं देखा भी हूँ कि उन लोग पढ़ने वाले बच्चे थे, ठीक है, उन लोग टेस्ट बुक में भी उन लोग का 75
80 प्लस मार्क्स रहता था और 90 से 95 तक परसेंटाइल रहता था। तो ऐसे कैंडिडेट्स का मार्क्स बढ़ना जायज़ है दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या है, ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम मतलब वो नहीं है। हालांकि परीक्षा कठिन है, लेकिन परीक्षा कठिन आया था मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये एग्ज़ाम दोस्तों ग्रुप डी का है, जिसमें वर्क देखेंगे तो फिज़िकली वर्क करते हैं ज़्यादातर स्टाफ, है ना, मेंटली वर्क बहुत कम का है, इसमें फिज़िकली वर्क है। और इसमें आप लोग को ज़्यादा ये भी टेंशन नहीं है कि हमारा होगा कि नहीं, आप लोग चुपचाप अपना पीटी का तैयारी कीजिए, है ना, और ज़्यादा प्रेडिक्शन पर मत रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ये सब चीज़ देख लिए, ये प्रेडिक्शन देख लिए आप लोग, है ना, कि इतना मार्क्स मेरा है, इतना रॉ मार्क्स, इतना नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन आप लोग को अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अपना पीटी की तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग 40 के प्लस भी रॉ मार्क्स है ना, तो कई कई शिफ्ट में ऐसे हैं कि 40 वाले 70 प्लस परसेंटाइल भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1,03,000 वैकेंसी है, इसमें मैं आप लोग को बता दे रहा हूं 2 से 5,000 लोग ऐसे लकी लोग रहेंगे जो 40 से 45 पाए होंगे, और उन लोग का परसेंटाइल स्कोर देखेंगे ना तो डायरेक्ट 70 से ऊपर रहेगा, और ऐसा होने भी वाला है दोस्तों, ठीक है। तो और मैं बताऊंगा, ये जो डाटा है अभी, जो रैंक आईक्यू का जो डाटा है दोस्तों, ये अभी लगभग 2 से 3 लाख लोग ही मैक्सिमम इसमें इनपुट कर पाए हैं, डाटा डाल पाए हैं, और इन्हीं लोग एक्टिव है दोस्तों, ठीक है, इन्हीं लोग एक्टिव है। और जो बंदे चाहिए रेलवे को, 1 से 1 लाख वैकेंसी, 1,03,000, तो 3,09,000 पीटी के लिए बंदे चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परसेंटाइल इसमें कितना बढ़ना चाहिए, स्कोर क्या परसेंटाइल स्कोर रैंक आईक्यू के हिसाब से सही रहेगा। तो मैं ये एक चीज़ बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें आप लोग +3 -3 का मान सकते हैं। आप लोग का अगर 95 परसेंटाइल आ रहा है तो क्या पता एग्ज़ाम में आपका रियल में 90 to 92 परसेंटाइल होगा, अगर और -3 के हिसाब से मैं ये बोला हूँ, है ना, और बढ़ भी सकता है, 98 भी बढ़ सकता है परसेंटाइल स्कोर। और एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप लोग का अभी 65 to 70 परसेंटाइल शो कर रहा है, ठीक है, तो ये बढ़ के 68 भी हो सकता है और घट के 62 भी हो सकता है दोस्तों। तो क्योंकि 75% इसकी एक्यूरेसी है, और बंदे लोग ज़्यादातर इसमें डाटा डाले नहीं है, लेकिन उन लोग भी डाले हैं, उन्हीं लोग डाले हैं जिन लोग हर जोन में अच्छे अच्छे परफॉर्मर थे, ठीक है, ऐसा भी है। देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 64 से 79 हुए कैंडिडेट्स का, 77 से 97 हुआ है, ठीक है, और 67 से 81 हुए हैं। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ दोस्तों। और ये जो है ये ग्रुप डी एग्ज़ाम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो एनटीपीसी वाले हैं, है ना, एनटीपीसी में लेवल 2 में हुए थे कैंडिडेट्स, लेवल 3 में हुए थे, लेवल 4 में, 5 में, 6 में, भले CBT 2 के लिए छट गए थे, ठीक है, CBT 2 में छट गए थे, तो उन लोग कैंडिडेट्स लोग भी हैं उन लोग, और उन लोग का आराम से होना है दोस्तों ग्रुप डी में। ऐसे कैंडिडेट्स लोग को मैं यही बोलूँगा। फेज़ की बात किया जाए दोस्तों, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 के कैंडिडेट्स लोग निश्चिंत ही रहिए। आप लोग का अगर 50 to 60 मार्क्स भी आ रहे हैं ना रॉ मार्क्स, तो आप लोग निश्चित ही पीटी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग का डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि 100 में से 90% लोग का इसमें सिलेक्शन होगा, अगर आप लोग अच्छे पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही मेरा टॉपिक था कि रैंक आईक्यू में कितना परसेंटाइल, मतलब रैंक आईक्यू कितना सही और गलत, मैं अगर बोल सकता हूँ दोस्तों तो 70 to 75% सही है डाटा दे रहे हैं, और इसी के आधार पर ही आगे आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अपने और अगर आप लोग का कम भी आ रहा होगा ना परसेंटाइल स्कोर, तो इसमें आप हताश मत होइए, आप ज़रूर तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग का मैं बता रहा हूँ ना +3 -3 वाला जो कंसेप्ट है ये सही होने वाला है, इसमें आप लोग का निश्चित ही सिलेक्शन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ, और पीटी की तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। मैं पीटी पर भी वीडियो ला रहा हूँ हर प्रकार के, है ना, फिजिकल ट्रेनर से आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।